हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। इसके पहले क्लास 11th में हमने मैकेनिकल वेव्स में डॉपलर इफेक्ट इन साउंड पढ़ा हुआ है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि जब किसी साउंड के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होती है, फिर यदि सोर्स स्टेशनरी हो ऑब्जर्वर मूव कर सकता है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो सोर्स मूव कर सकता है, या दोनों मूव कर सकते हैं, उनके बीच होना चाहिए रिलेटिव मोशन। और जब कभी साउंड के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होती है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी में और वेवलेंथ में अपैरेंट चेंज आता है, उसे ही कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की सेपरेशन यदि कम हो रही होती है तो फ्रीक्वेंसी अपैरेंटली बढ़ जाती है, साउंड श्रिल हो जाता है। और यदि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की सेपरेशन बढ़ रही हो तो साउंड की फ्रीक्वेंसी अपैरेंटली कम हो जाती है, साउंड ग्रेव सुनाई देता है। तो ये अपैरेंट चेंज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी ये सोर्स की प्रॉपर्टी है और वो कभी नहीं बदलती। किसी भी फिनोमेना में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब तक कि सोर्स ना बदला जाए। तो फ्रीक्वेंसी में यदि चेंज आ रहा है तो वो सिर्फ अपैरेंट हो सकता है, आभासी रूप से हमको ऐसा लग सकता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है या कम हो रही है। तो जब कभी साउंड के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होती है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अपैरेंट चेंज आता है, इसे ही कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो जिस तरह साउंड में यानी मैकेनिकल वेव्स में हम डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी डॉपलर इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर रेडियो वेव हो तो भी उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट, माइक्रोवेव में भी, सिमिलरली विजिबल लाइट में भी। तो हमको पढ़ना है डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब आपको मैं याद दिलाता हूं कि साउंड में हमने पढ़ा हुआ है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है एन डैश, ये होती है रियल फ्रीक्वेंसी एन इन टू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। तो डॉपलर इफेक्ट इन साउंड के होने की शर्तें क्या हैं? तो नंबर एक, साउंड के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। ठीक उसी तरह लाइट में भी डॉपलर इफेक्ट के होने के लिए रिलेटिव मोशन का होना जरूरी है। पर साउंड में हमने यह भी देखा था कि यदि साउंड का ये हो सोर्स, ये हो ऑब्जर्वर, और यदि सोर्स मूव करता हो ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो और सोर्स स्टेशनरी हो, तो हमको फ्रीक्वेंसीज अलग अलग मिलती हैं। इसका मतलब साउंड के सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच रिलेटिव मोशन भी इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों केसेस में यदि सोर्स मूव करता है या फिर ऑब्जर्वर मूव करता है, हमको दोनों बार फ्रीक्वेंसीज अलग अलग मिलती है। इसका मतलब डॉपलर इफेक्ट इन साउंड न केवल रिलेटिव मोशन पर बल्कि इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है या फिर ऑब्जर्वर। जैसे इस केस में आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ये हो जाएगी साउंड के वेलोसिटी की डायरेक्शन, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ। ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो यहां तो जीरो डाल देंगे, तो एन डैश मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बराबर रियल इन टू वी अपॉन वी माइनस वी एस, ऐसा मिलेगा। जबकि इस केस में इसको मैं डबल डैश बोल देता हूं, फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, तो ये तो वेलोसिटी साउंड की हो गई और सोर्स स्टेशनरी है, अब ये जीरो कर देंगे और ऊपर आएगा वी प्लस वी ओ, क्योंकि वी ओ की डायरेक्शन वी से ऑपोजिट है। ऐसा सब हमने वहां किया हुआ है इलेवेंथ में। तो वी प्लस वी ओ अपॉन यहां क्या आएगा वी। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम नहीं है, यानी साउंड में डॉपलर इफेक्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव करता है, जबकि लाइट में डॉपलर इफेक्ट केवल सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर इनके बीच रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है, इस बात पर नहीं कि कौन मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो या लाइट का सोर्स मूव कर रहा हो। दोनों बार एक ही तरह का डॉपलर इफेक्ट होगा, मतलब हम डॉपलर इफेक्ट इन लाइट को केवल दो केसेस में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं।
जिसमें से एक केस होता है अप्रोचिंग स्टार, ये एग्जांपल लिखा हुआ है, स्टार मतलब ये इल्यूमिनेटिंग बॉडी है, इसमें से लाइट इमिट हो रही होती है, अप्रोच कर रहा है वो ऑब्जर्वर की तरफ, मतलब ही लाइट सोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने लिखा है अप्रोचिंग स्टार, एक ये केस हो सकता है लाइट में डॉपलर इफेक्ट के लिए, दूसरा ये हो सकता है इफ लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब रिसीडिंग स्टार, जब कोई स्टार पास आ रहा हो ऑब्जर्वर के, या फिर कोई स्टार दूर जा रहा हो, या फिर यहां हम ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जर्वर स्टार के पास चला जा रहा है, कुल मिला के दोनों के बीच की सेपरेशन कम होती चली जा रही है, इस केस में दोनों के बीच की सेपरेशन बढ़ती चली जा रही है, यह अप्रोचिंग स्टार और यह रिसीडिंग स्टार। तो इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान दें, इफ ए लाइट सोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, मतलब कोई अप्रोचिंग स्टार हो तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो ऐसा तो आपको वहां से भी याद आ जाएगा साउंड वाले केस में, जब दोनों के बीच सेपरेशन कम होती है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उसी तरह यहां भी आप याद ला सकते हैं कि अप्रोचिंग स्टार है मतलब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की सेपरेशन कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली बढ़ेगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। अब आपको यह भी याद आना चाहिए लाइट में कि यह है विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम विब्योर, और इसमें यह याद आना चाहिए कि जब हम वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसका मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है रेड की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है वायलेट की, तो यहां यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है अपेरेंटली वेवलेंथ यदि कम हो रही है, और वेवलेंथ यदि कम हो रही है तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो कहां शिफ्ट होंगी, वेवलेंथ कम हो रही है मतलब इधर शिफ्ट होती चली जाएंगी, मतलब कहां पर वायलेट एंड की तरफ, इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ये ब्लू पार्ट की तरफ शिफ्ट हो गई। रियल वेवलेंथ हो सकता है कि ये हो, और वो इधर शिफ्ट होने पर हो सकता है कि वो वायलेट या इंडिगो हो गई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ कम हो जाती है, इसमें से ज्यादा हमको इसके बारे में बात करनी चाहिए फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो क्या याद रखेंगे कि इफ लाइट सोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, मतलब अप्रोचिंग स्टार हो तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वेवलेंथ कम हो जाती है, वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो वायलेट एंड की तरफ शिफ्ट होते हैं, इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। अब याद कैसे लाएंगे, यह है अप्रोचिंग का ए और ब्लू का बी, तो इस केस को हम ए बी से याद ला सकते हैं, अप्रोचिंग स्टार ब्लू शिफ्ट, अप्रोचिंग स्टार ब्लू शिफ्ट। अब जो फ्रीक्वेंसी हमको बढ़कर दिखाई दे रही है, अपेरेंटली जो बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाना पड़ेगी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। एफ ए मतलब इस केस में अप्रोचिंग स्टार वाले केस में अपेरेंट फ्रीक्वेंसी एफ ए इज इक्वल टू उसकी रियल फ्रीक्वेंसी इन टू स्क्वेयर रूट ऑफ सी, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, और वी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू स्टार, या उनके अप्रोच करने की वेलोसिटी यहां पर हमको लेनी है। तो एफ ए मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस फॉर एन अप्रोचिंग स्टार इज इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। अब यहां कैसे याद आएगा आपको सी माइनस वी ऊपर है या सी प्लस वी ऊपर है, ये याद लाने के लिए आपको यही याद लाना पड़ेगा। ए बी यदि याद आ जाता है अप्रोचिंग स्टार है ब्लू शिफ्ट है, ब्लू शिफ्ट मतलब वेवलेंथ कम हो गई है फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, यानी इसको हमको बढ़ाना है, और इसको यदि बढ़ाना है यहाँ न्यूमरेटर में सी प्लस वी ही आना चाहिए, सी प्लस वी आने पर ही एफ ए एफ से ज्यादा होगा, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब केस टू कौन सा है, इफ लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, यानी रिसीडिंग स्टार है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है वेवलेंथ बढ़ जाती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है मतलब स्पेक्ट्रल लाइन शिफ्ट होंगी टूवर्ड्स रेड एंड, रेड एंड की तरफ होंगी, मतलब इसको जिस तरह हमने ए बी से याद किया है इसको हम आर आर से याद रख सकते हैं, या एक याद आने पर दूसरा आप रिकॉल कर सकते हैं, ए बी अप्रोचिंग स्टार ब्लू शिफ्ट, और ब्लू शिफ्ट यदि होगा तो यहां सी प्लस वी यहां सी माइनस वी इसका रूट, तो यहां पर क्या होगा, यह है रिसीडिंग स्टार, ये रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ क्या हो गई है बढ़ गई है फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, पर यहां हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं,
तो न्यूमरेटर में सी माइनस वी आएगा, तो एफ आर मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिसीडिंग स्टार के केस में इज इक्वल टू रियल इनटू अंडर रूट ऑफ सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी। और ये फॉर्मूले याद आने पर अभी हम आगे डॉपलर शिफ्ट की बात कर लेंगे या वेवलेंथ में कितना डिस्प्लेसमेंट आता है उसके लिए एक सिंगल फॉर्मूला बना लेंगे दोनों केसेस के लिए और उसको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी इंटू लैम्डा। ये डेल्टा लैम्डा क्या है? डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, इसी को कहते हैं डॉपलर शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेवलेंथ। आरएचएस में जो वी लिखा हुआ है यह है वेलोसिटी ऑफ रिसीडिंग और अप्रोचिंग स्टार विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। सी क्या है? सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड लैम्डा इज रियल वेवलेंथ। अभी हम देखेंगे दोनों केसेस के लिए हमको सेम फॉर्मूला मिलता है। पहला केस क्या है? लाइट सोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, तो मैंने कहा था आपसे इसको आप ए बी से याद ला सकते हैं, अप्रोचिंग स्टार ब्लू शिफ्ट, और ब्लू शिफ्ट मतलब वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है अपेरेंटली वेवलेंथ अपेरेंटली डिक्रीज होती है। और इस केस में लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, तो हमको याद लाना चाहिए आर आर रेड शिफ्ट, रिसीडिंग स्टार रेड शिफ्ट, वेवलेंथ बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। फिर आगे ये जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी जो बढ़कर हमको दिखाई दे रही है उसके लिए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको हम लिखते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमको लॉजिक से ही लिखना पड़ेगा। एफ ए यदि हम उसे कहें बढ़ी हुई फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू क्या होगा? रियल एफ, और यहां जो आता है स्क्वायर रूट के अंदर एक होता है सी प्लस वी एक सी माइनस वी, तो यहां पर एफ ए क्योंकि ज्यादा है तो न्यूमरेटर में यहां बड़ी क्वांटिटी आनी चाहिए, यानी ऑब्वियसली सी प्लस वी आएगा और नीचे आएगा सी माइनस वी। अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां क्या करें, पहले तो इनको वेवलेंथ की टर्म्स में लिख लेते हैं। यह है फ्रीक्वेंसीज, तो सी इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, तो एफ इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो यहां आएगा स्पीड ऑफ लाइट सी अपॉन अपेरेंट वेवलेंथ, और यहां स्पीड ऑफ लाइट रियल वेवलेंथ। फिर आगे यहां सी कॉमन ले लेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस वी बाई सी और नीचे 1 माइनस वी बाई सी। अब ये सी तो कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां आएगा लैम्डा ए इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर इधर आएगा लैम्डा, ये टर्म आएगी 1 माइनस वी बाई सी रेज्ड टू दी पावर हाफ, और ये डिनोमिनेटर में आएगी, तो डिनोमिनेटर में आने पर 1 प्लस वी बाई सी रेज टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा। अब इन दोनों को, ये दोनों बायनोमियल्स हैं, इनको एक्सपैंड करेंगे और सिर्फ दो टर्म्स रख लेंगे, हायर पावर वाली टर्म्स को इग्नोर करेंगे, और ऐसा आप करते आ रहे हैं। क्या करना होता है, इस पावर को यहां लिख देना है बस 1 माइनस वी बाई टू सी, उसी तरह यहां भी 1 माइनस वी अपॉन टू सी ऐसा लिख लेंगे। अब इसको आगे सॉल्व करना है, उसके पहले इस लैम्डा को ले जाते हैं हम एलएचएस में, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू दिस मच। अब इसको आगे सॉल्व करें तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर, तो ये टू कैंसिल आउट भी हो रहा है यहां पर, यहां बचेगा 1 माइनस वी बाई सी, और ये टर्म इग्नोर कर देंगे, इतनी छोटी है इसको छोड़ देंगे क्योंकि वी सी से बहुत कम है, इस टर्म को छोड़ दें तो क्या बचता है, 1 माइनस वी बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा ए, मतलब अपेरेंट वेवलेंथ अपॉन रियल वेवलेंथ। अब इसको ले जाते हैं हम एलएचएस में, तो वी बाई सी इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा ए अपॉन लैम्डा, आगे सॉल्व करें, यहां लिख रहा हूं मैं वी बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा माइनस लैम्डा ए अपॉन लैम्डा। अब ये क्या है, तो ये है चेंज इन वेवलेंथ, और ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो लैम्डा कैसा है, रियल जो ज्यादा है, और लैम्डा ये है अपेरेंट जो कम है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी
तो इसको ऐसा लिख लेते हैं, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी इंटू लैम्डा, और यही ये फॉर्मूला है। तो इस तरह चेंज इन वेवलेंथ, तो यहां वेवलेंथ तो कम हो रही है और यहां जो टर्म आ रही है वो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, आई मीन यह है रियल और यह है अपेरेंट, और अपेरेंट कम होती है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी ही है ये, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा चेंज इन वेवलेंथ इस फॉर्मूले से वी बाई सी इंटू लैम्डा, इसी को कहते हैं डॉपलर शिफ्ट। तो अभी नेक्स्ट केस करेंगे, इफ लाइट सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, तो हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी को हम लिखेंगे एफ आर, तो एफ आर इज इक्वल टू रियल और यहां स्क्वेयर रूट के अंदर क्या आएगा, इस तरह की टर्म्स आती हैं सी प्लस वी या सी माइनस वी, तो न्यूमरेटर में सी माइनस वी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम हो गई है और यहां सी प्लस वी। आगे इसको सॉल्व करें तो एफ आर को हम लिख सकते हैं सी अपॉन लैम्डा आर, और एफ को सी बाई लैम्डा, और यहां क्या लिखें, सी कॉमन लेकर कैंसिल कर देते हैं, वन माइनस वी बाई सी रेज्ड टू द पावर हाफ, उसके अलावा ये आएगा वन प्लस वी बाई सी, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वन प्लस वी बाई सी रेज टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा, ये सी कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो लैम्डा आर इज इक्वल टू, ये आएगा लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, और ये टर्म कहाँ आएगी, ये आएगी डिनोमिनेटर में, ऊपर जाने पर वो माइनस हाफ, और ये टर्म आएगी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाने के बाद में ये हो गया हाफ। इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लें तो क्या लिखेंगे, वन प्लस वी बाई टू सी, दो टर्म्स रख ली हैं बाकी सब इग्नोर कर दिए, इसी तरह यहां वन प्लस वी बाई टू सी, ये हुआ लैम्डा आर, और ये ज्यादा है ध्यान देंगे, जो अपेरेंट वेवलेंथ है वो ज्यादा है। अब ये क्या है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर इसमें लगा सकते हैं आप, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए एंड बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर अपॉन फोर सी स्क्वायर, इसको तो आप कैंसिल कर देंगे क्योंकि वी सी से बहुत कम है, ये टू यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सब हट गया, यहां बच गया वन प्लस वी बाई सी इज इक्वल टू लैम्डा आर, और आप क्या करें, इस लैम्डा को नीचे ले आते हैं वापस, यहां ले आते हैं और यहां लिखेंगे वन प्लस वी बाई सी, और दोनों तरफ माइनस वन ले लेते हैं, दोनों टर्म्स में से वन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहां आएगा लैम्डा आर माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी, और ये क्या है, तो ये है चेंज इन वेवलेंथ, तो यहां ध्यान दें यहां क्या आ रहा था, लैम्डा माइनस लैम्डा है, यहां लैम्डा आर माइनस लैम्डा, यानी ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही होगी, यानी इंक्रीज इन वेवलेंथ, ये भी कह सकते हैं या चेंज इन वेवलेंथ भी बोल सकते हैं या डॉपलर शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो कितना हुआ, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई सी इंटू लैम्डा, यानी वापस हमको वही फॉर्मूला मिल गया है, इसमें डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में केवल ये एक ही फॉर्मूला होता है, डेरिवेशंस भी आप स्किप कर सकते हैं, आप तो बस इतना याद रखें, जब इसके लिए लगाना होगा तो ये क्या होगा, रेड शिफ्ट में लैम्डा माइनस लैम्डा ए रियल माइनस अपेरेंट, और इसमें इस वाले केस में ये क्या होगा, अपेरेंट माइनस रियल, बस इतना याद रखना है, वैसे भी इसको याद रख लें, यहां पर क्या आया है, रियल माइनस अपेरेंट, और इसमें अपेरेंट माइनस रियल, ऐसा याद रख सकते हैं। तो अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे इस पर बेस्ड, अब प्रॉब्लम्स करेंगे उनमें से पहली प्रॉब्लम, द स्पेक्ट्रल लाइन इमिटेड बाय अ स्टार नोन टू हैव अ वेवलेंथ ऑफ 6500 एंगस्ट्रॉम व्हेन ऑब्जर्व्ड इन लेबोरेटरी अपीयर्स टू हैव वेवलेंथ ऑफ 6525 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टार in the line of sight relative to the earth, speed of light in air is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का तो हमको ये याद आना चाहिए, ये क्या है डॉपलर शिफ्ट, यहाँ आता है रिलेटिव वेलोसिटी, ये स्पीड ऑफ लाइट इंटू रियल वेव लेंथ, अब यहाँ पर रियल वेव लेंथ कौन सी है, ये है और ये है अपेरेंट,
तो अपेरेंट वेवलेंथ ज्यादा दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये रेड शिफ्ट का केस है। और रेड शिफ्ट कब होता है? जब स्टार रिसीड कर रहा होता है, मतलब दूर जा रहा होता है ऑब्जर्वर से। यहां क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहां डेल्टा लैम्डा मतलब 25 एंगस्ट्रॉम यह आएगा डेल्टा लैम्डा की जगह, लैम्डा मतलब रियल यानी डिवाइडेड बाय 6500 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा। अब वी हमें चाहिए स्पीड ऑफ स्टार इन द लाइन ऑफ साइट रिलेटिव टू अर्थ, मतलब रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, वही है ये वी। और यहां आएगा स्पीड ऑफ लाइट, तो ये एंगस्ट्रॉम ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आएगा मीटर पर सेकंड में, क्रॉस मल्टीप्लाई होके वी भी हमको मिलेगा मीटर पर सेकंड में, यानी कितना हुआ 25/65 × 3×10⁻¹। ये दो जीरोस मैंने छोड़ दिए थे यहां, तो पावर 6। और इसको आप यदि सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना हो जाएगा 75/65, ये आ रहा है 1.15 के बराबर, यानी 1.15 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अ स्टार इमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ विद अ स्पीड ऑफ 3×10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। यहां बोला है स्टार मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, मतलब ये अप्रोचिंग स्टार है, और अप्रोचिंग स्टार होने पर कौन सा शिफ्ट आता है? वो होता है ब्लू शिफ्ट, यानी वेवलेंथ कम हो जाती है। और ये क्वांटिटी हमेशा हमको इस फॉर्मूले में रखना होती है पॉजिटिव, तो हमको यहां लिखना पड़ेगा λ × λa। और यदि रेड शिफ्ट होता है तो फिर इस डेल्टा लैम्डा को हमको क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लैम्डा बढ़ जाता है, तो λr − λ लिखेंगे। तो पर्टिकुलर इस सवाल में क्या बोला है, यह है रियल वेवलेंथ और वो स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इस स्पीड से मूव कर रहा है, यानी वी दिया हुआ है और ये लैम्डा दिया हुआ है जो हमको यहां सब्स्टिट्यूट करना है। सी आगे बोला हुआ है डिटरमिन द अपेरेंट वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड लाइट इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, ऐसा लिख लेते हैं इसे λ − λa = V/C। वी मतलब ये और सी मतलब ये, 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां मिलेगा 1/10⁻²⁺ λ, लैम्डा इज 6000 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व होने पर क्या आया 60 एंगस्ट्रॉम। हमको चाहिए क्या है, अपेरेंट वेवलेंथ, तो अपेरेंट बराबर कितनी हो जाएगी λ − 60, मतलब 6000 − 60 आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में, मतलब ये 60 घटाएंगे इसमें से तो बचेगा 5940 5940 एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर हो जाएगा 5940 एंगस्ट्रॉम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी इज फाउंड टू बी 0.5% मोर देन दैट कमिंग फ्रॉम अ सोर्स ऑन अर्थ। यदि किसी सोर्स को अर्थ पर रखा हुआ है, उससे आने वाली लाइट की वेवलेंथ यदि लैम्डा हो, मान लेते हैं अर्थ से आने वाली लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो गैलेक्सी से आ रही है जो लाइट, कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी इज फाउंड टू बी 0.5% मोर, वेवलेंथ बढ़ गई है, मतलब ये बात हो रही है रेड शिफ्ट की, तो कितनी होगी वेवलेंथ, हम यदि उसको लिख लें λr, तो कितनी होगी 5% ज्यादा होगी इससे, तो λ + 0.5% of λ, 0.5 λ/100। ऐसा करना पड़ेगा, यहां से आप निकाल सकते हैं λr/λ, यहां से कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा 100.5/100, ये वैल्यू आया λr/λ का। अब इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए हमको चाहिए डेल्टा लैम्डा, तो डेल्टा लैम्डा के लिए क्या करें, तो दोनों साइड हम -1 कर देते हैं, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहां बन जाएगा ये λr − λ, मतलब डेल्टा λ/λ इज इक्वल टू -1 करेंगे तो यहां आएगा 0.5/100, ये हुई इक्वेशन 1। और अब यहां सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, डेल्टा λ/λ हमको मालूम है, वी हमको चाहिए, हमें चाहिए कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ द गैलेक्सी, वी हमको चाहिए, सी की वैल्यू रख देंगे 3×10⁸,
क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 8 टाइम्स 0.5 बाई 100, 0.5 अपॉन 100 ऐसा लिखना पड़ेगा। ये हुआ 1.5 बन जाएगा, ये 10 की पावर रीअरेंज करें तो 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब उस गैलेक्सी की वेलोसिटी है 1.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड। और कौन सा है ये रेड शिफ्ट, मतलब ये गैलेक्सी अर्थ से दूर जा रही है तभी रेड शिफ्ट हुआ है। रिसीडिंग है वो स्टार या वो गैलेक्सी।